गिरफ्तारी कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बीटा टू थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण इस वजह से हो गया क्योंकि दबंगों को उसका कुत्ता पसंद आ गया और युवक ने अपना कुत्ता देने से मना कर दिया। इसके बाद दबंग युवक तमंचे के बल पर राहुल का अपहरण कर अलीगढ़ तक ले गए और रास्ते भर उसे पीटते रहे। वहीं दबंग अलीगढ़ में युवक को कार से बाहर फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल बीटा टू पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ग्रेटर नोएडा में एक युवक का इसलिए अपहरण कर लिया गया क्योंकि उसने अपना कुत्ता देने के लिए इनकार कर दिया था। कुछ लोगों को कुत्ता पसंद आया और उन्होंने उस कुत्ते के मालिक को कहा कि उनको कुत्ता दे दिया जाए। उसने इनकार किया तो उसका अपहरण करके कार में तमंचे के बल पर यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए अलीगढ़ तक ले गए और अलीगढ़ ले जाने के बाद मारपीट कर उसको गाड़ी से फेंक दिया। फिलहाल जो कुत्ते का मालिक है राहुल, वो अपने घर जरूर पहुंच चुका है। उसने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी है। पुलिस FIR दर्ज करके आरोपियों की तलाश करने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि राहुल का कहना है कि उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और अभी भी उन लोगों से उसको जान का खतरा बना हुआ है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जिन लोगों ने अपहरण किया गया था वो एक SUV कार में सवार थे और 3 लोग थे जिनके बारे में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारी अभी इस पूरे मामले में कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर बीटा टू थाना इलाके में FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा।